दो भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के द्वारा ब्राह्मण एवं वैश्य समुदाय के लिए असम्मानजनक टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में मंडला के नेहरू स्मारक चौराहे पर पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने बताया कि भाजपा संगठन प्रभारी मुरलीधर राव ने भोपाल में ब्राह्मण और बनिए को जहां पर अपनी जेब में बताया और भाजपा के नेता सत्ता के नशे में इतने मदस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपनी जेब में हर कोई दिखाई देने लगा है। साथ ही कहा कि बीजेपी के अहंकारी नेताओं को याद रखना चाहिए कि अहंकार से ही अंत की शुरुआत होती है। पता है कि ये जो बीजेपी के जो नेता है और उनके जो भक्त हैं, ये बोल तो देते हैं लेकिन अपने कान बंद रखते हैं, है ना। मुझे लगता है कि उनकी रिएक्शंस आने चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। अगर यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का विरोध अगर करते हैं किसी बयान का, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्षेत्र से उसको जवाब उनको देना चाहिए। मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी हैं भाजपा के मुरलीधर राव, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण रहते हैं और एक जेब में बनिया रहते हैं। इनका स्पष्ट इस बयान से मंशा ये जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को और जो बनिया समाज है उनको अपने जेब में रखना इस उद्देश्य से बताया है कि पूरा समाज इनके कब्जे में है और ये चुनावों में और अपने तरीके से उनकी वोट को कैश करते हैं। तो स्पष्ट रूप से पूरा ब्राह्मण समाज, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और आज ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, मुरलीधर राव का पुतला इसीलिए फूंका गया है क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण समाज का और बनिया समाज का जो अपमान किया है, जिसे ये वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं और समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इस हिंदुस्तान में ब्राह्मण ना कभी और बनिया ना कभी किसी के जेब में रहा है न रहेगा। धन्यवाद। परिवेश में इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है और उसके नेता हैं, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि वो बौरा गए, और इस बौराने के दौरान अच्छा गलत धर्म जाति इन सब बातों को किनारे रखते हुए किसी भी का अपमान कर देना, किसी को जातिगत सूचक से अपमानित बात से अपमानित कर देना, ये इनकी अब परंपरा बन चुकी है। इसी तारतम्य में उनके एक नेता जो है उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, इस देश के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बनिया हैं, उनके लिए ये मानहानिकारक बात कही कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया होता है, उनको तो मैं जब चाहूं जैसा चाहूं उपयोग कर सकता हूं। ये इतनी निर्लज्जता पूर्ण बात है। ये बात इस बात का द्योतक है कि आज उन्हें इस बात का दंभ हो चुका है कि ये सारी जो है जातियां हैं ये हमारे जेब में रहती हैं और हमारे कहे अनुसार चलती हैं और इन पर हमारा रौब चलता है। आज ये सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि इन्हें इस देश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं, उनकी मनोभावनाओं से कोई लेना देना नहीं, उनके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। ये उनको सम्मान तो नहीं दे पा रहा लेकिन उनके सम्मान को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। इस बात का हम घोर विरोध करते हैं और इस बात जो है ये बात जो है छोटी बात नहीं है। आज पूरे देश का ये समाज जिसके लिए टिप्पणी की गई है ये इस बात को लेके बहुत गंभीर और चिंतन और मनन करेगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये पुतला दहन इसी का एक माध्यम था और इस देश की जनता, इस देश में समाज से जुड़े लोग ये शांत बैठने वाले नहीं है। इसके परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत चर्चा का विषय है। पिछले 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया, पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है, मुझे समझ से परे है। उन्होंने क्या कहा कि एक हमारे यहाँ पर हम सत्ता में अभी हैं और उसके मुख्य किरदार हैं, एक तरफ हमारे जेब में बनिया है, एक तरफ हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं, हमें सिर्फ एसटी एससी और ओबीसी पे कंसंट्रेट करना है। ये एक बेतुका बयान, देखिए ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समर्थक होते हैं, हो सकते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी आप समर्थक को वर्ग विशेष के रूप में लेके अगर आप जेब में रखने जैसी बातें कहते हो, ये आपकी मानसिकता शो करती है, आपकी ये विचारधारा, आपके जो संकेत है आपकी पार्टी से, जो अंदर से जो निकल के बाहर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की मानसिकता शो करती है और इसकी हम निंदा करते हैं।
आप किसी समाज विशेष को अब मैं जेब में रखने की बातें आप नहीं कह सकते हैं। कोई समर्थक हो सकता है, कोई विशेष समर्थक हो सकता है, बट आप किसी वर्ग विशेष के अगेंस्ट में ऐसी बात कहते हो, ये बहुत गलत बात है। उसकी कई प्रकार से प्रतिक्रिया हो रही है, नाराजगी हो रही है, लेकिन माफीनामा नाम की इनकी हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं इनको एक सबक सिखाने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमारी बातें चल रही हैं, लोग बहुत नाराज हैं इस बात पे, एक और इस प्रकार से उनकी निंदा हम करते हैं। और निश्चित रूप वॉइस ऑफ राइट्स के मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।